सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल बिग थिंग सीजे। गाइज जरा आज की वीडियो में आप लोग बताने वालों कि सिर्फ एक महीने में 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हो। गाइज मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैंने सिर्फ 2 महीने में 7300 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है। आप मेरे चैनल के नीचे जाकर देख सकते हो कि मेरा सब्सक्राइबर कितना हो चुका है। तो आज की वीडियो में गाइज मैं अपना खुद का राज आपको बताने वाला हूँ कि मैं इतने जल्दी अपने चैनल पर 7300 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट कर लिया और आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ एक मंथ में आप 1K सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई इसी तरह की वीडियोस डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कैसे करना है, ये दोनों को कंप्लीट करने के लिए गाइस आपको अपने वीडियोस पर व्यूज लाना है। तभी जाहिर सी बात है गाइस कि व्यूज आएंगे तो वॉच टाइम इंक्रीज होगा एंड सब्सक्राइबर भी आएगा। तो यहाँ पर बात आती है कि व्यूज ही तो नहीं आता, ये कैसे लाए? यही तो मेन मुद्दा है, व्यूज लाना है वीडियोस पर। तो मैं हूँ ना गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप व्यूज कैसे ला सकते हो। ये भी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो पूरा एंड तक देखना गाइस, तभी आप लोगों को समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने खुद का चैनल कब स्टार्ट किया। ये चीज आप लोग गौर से सुनना, ये एक स्टोरी नहीं है, यही है वो तरीका जिससे आप अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। ये मैं आपको स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, ये मैं आपको अपने खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो कि आप अगर ये सुनते हो अच्छे तरीके से तो आपको बहुत ही आसानी होगी अपने वीडियोस पर व्यूज लाना। व्यूज आएंगे तो जाहिर सी बात है मैं आपको बता ही दिया कि वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा एंड सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होगा। तो ये चीज़ आप लोग सुन लो, आप भी बहुत ही आसान तरीके से अपने वीडियोस पर व्यूज ला सकते हो। व्यूज आएगा तो आप लोग को पता ही है। तो मैंने अपने चैनल को आज से करीबन 5 या 6 मंथ पहले स्टार्ट किया। अब यहाँ पर आप लोग बात करते हो कि आप 6 मंथ पहले स्टार्ट किया और यहाँ पर बोल रहे हो कि मैंने 2 मंथ में अपने चैनल पर 7300 सब्सक्राइबर लिया है, तो ये भी आप लोगों को गौर से सुनना ज़रूरी है। मैंने जब आज से 5 महीने अपने चैनल को स्टार्ट किया था, अपने चैनल को स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर गाइज मैं भी वीडियोज़ डालता था, बहुत ही ज़्यादा वीडियोज़ डालता था, बट मेरे को भी एक भी व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर देखने को नहीं मिलता था। इसलिए गाइज बीच में मैं अपने चैनल को क्विट कर दिया। क्विट करने के बाद 2 या 3 महीने मैंने छोड़ दिया अपने चैनल को। फिर मैंने 2-4 वीडियोस देखी, बहुत ही मतलब न्यू यूट्यूबर्स की 2-4 वीडियोस देखी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है अपने यूट्यूब पर एंड अच्छे खासे व्यूज़ लेकर आ रहा है। तो ये कहाँ से कर रहा है, ये भी तो कर रहा भाई, ये भी तो एक इंसान ही है। तब जाकर मेरे पास एक फिर से कॉन्फिडेंस जाग उठी और मैंने सोचा कि मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर से मैंने उस चैनल को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद फिर से एक वीडियो डाला, 2 वीडियो डाला, 5-6 वीडियो डाला, फिर भी एक भी व्यूज़ नहीं आ रहा था एंड ना सब्सक्राइबर आ रहा था। तब मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखना स्टार्ट किया, व्यूज़ कैसे लाए। तो वहाँ पर जैसे मैं वीडियोस को ओपन करता था तो वहाँ पर वो लोग ये बताते थे कि अपने वीडियोस पर व्यूज़ लाने के लिए अपने टाइटल को अच्छे से लगाना होगा एंड जो हैशटैग है वो भी अच्छे से डालना होगा एंड जो टैग है वो भी अच्छे से लगाना होगा और साथ ही जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो भी अच्छे से फिलअप करना होगा एंड अपने चैनल पर डेली ट्रेंडिंग वीडियोस डालना होगा, डेली ट्रेंडिंग से रिलेटेड वीडियो बनाना होगा एंड जो ट्रेंडिंग क्या चल रहा है वो बनाना होगा। बट वहाँ पर ये नहीं बताते थे कि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक कहाँ से लाना है एंड जो आज का ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, वो ये कभी नहीं बताते थे। सिर्फ इतना बताते बताते अपने वीडियोस का वॉच टाइम जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेते थे। तब से मैंने जितने बड़े बड़े चैनल का वीडियोस देखना छोड़ दिया। जब भी मैं कोई थंबनेल देखता था कि ये वीडियोस पर व्यूज़ कैसे बढ़ाए, अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करे, तो मैं कभी भी देखता नहीं था, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई तेरे पास सब्सक्राइबर है, तू कोई भी वीडियो बनाएगा तो तेरे को व्यूज़ मिल ही जाएंगे। बट हम लोग के पास तो सब्सक्राइबर नहीं है, हम लोग के लिए कुछ उपाय बताओ ना कि हम लोग को व्यूज़ कैसे लाना है, 300 सब्सक्राइबर है व्यूज़ कैसे लाना है, 400 सब्सक्राइबर व्यूज़ नहीं आ रहे, ये सब बताओ ना कि आपको कम सब्सक्राइबर वाले चैनल पर व्यूज़ कैसे लाना है, ये सब वो लोग नहीं बताते थे। मैंने सोचा कि इन लोगों की वीडियोस देखने से कुछ भी नहीं होगा, अब जो करना होगा मेरे को ही करना होगा। और जैसे ही मैंने दूसरे दिन यूट्यूब को ओपन किया, ओपन करने के बाद हल्का सा स्क्रॉल किया तो मैंने देखा एक छोटा सा चैनल और अभी जितने भी वीडियोज थे उस पर 10-12 ऐसे व्यूज़ थे एंड सबसे ऊपर वाला जो मैंने वीडियो देखा उस पर देखा 700 व्यूज़ एंड एक पर देखा 600 व्यूज़ एंड मैंने टॉपिक देखा तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो बंदा रियलमी से रिलेटेड वो 2 वीडियो बनाया जो कि वायरल हो चुका है, 700 से 600 करीब दोनों वीडियोस पर व्यूज़ आ गए। तब मैंने सोचा कि वो जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग वीडियो है और उसी से रिलेटिव मैंने अपने चैनल पर वीडियोस बनाकर डाला। तो मैंने दूसरे दिन देखा कि मेरे भी जो वीडियोस पर व्यूज़ थे वो 500 से 600 के करीब वहाँ पर आ चुके थे। तब मैंने सोचा कि वो जो बंदा वीडियो बनाया अचानक जो वायरल हो चुका वो ट्रेंडिंग टॉपिक है और मैंने उसी से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर डाला तो मैंने देखा कि उस वीडियोस पर भी अच्छे खासे व्यूज़
आ चुके हैं। तब से मैं समझ गई कि जितने भी छोटे छोटे चैनल हैं जिनके 500-600 सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों की अगर चैनल को रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद देखते हैं कि किस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आया है, तब मैं समझ जाता हूँ कि उस बंदे ने जो वीडियो बनाया है वो ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्योंकि 700 सब्सक्राइबर में अगर वो 1500-1600 व्यूज़ ले आता है तो वो ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। तो वो वीडियो को मैं अपने चैनल पर उसी से रिलेटिव मैं वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल देता हूँ। और रियली गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे चैनल पर भी अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं। आपको अगर विश्वास नहीं होता हो तो मैं आपको अपने चैनल पर जाकर दिखा देता हूँ कि कौन सी वीडियो को मैं शुरुआती में अपने चैनल पर डाला था, जिसके बाद से मेरा जो चैनल है वो ग्रो होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको अपने YT स्टूडियो पर लेकर जाता हूँ और वहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ एंड वहाँ पे भी अच्छे से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने YT स्टूडियो को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा वीडियोस पर व्यूज़ किस पर गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने उसी से रिलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया तो सारे पर व्यूज़ अच्छे खासे आने लगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले कौन से वीडियोस पर व्यूज़ गया जिसके बाद मैंने उसी से रिलेटेड वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस वीडियो पर अभी 3000 चल गया है, बट वहाँ पे उस टाइम 600 से 700 करीब इस वीडियो पर व्यूज़ था। अभी बट इस पर इंक्रीज हो चुका है, लेकिन उस टाइम 600 से 700 करीब इस पर व्यूज़ था। इसके बाद मैंने इसी से रिलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया और मेरी जितनी भी वीडियोज़ है उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आने लगे। तब से गाइस मैं समझ गया कि जितने भी छोटे चैनल हैं 200-300 सब्सक्राइबर है उस पर, और हाल ही में कोई न्यू वीडियो वायरल हो चुकी है उस चैनल पर, तो आप लोग समझ जाना कि वो जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग वीडियो। क्योंकि 200-300 सब्सक्राइबर वाले चैनल पर अगर 5000-6000 व्यूज अचानक आ जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा सर्चेबल वीडियो होती है या फिर बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग वीडियो होती है। तब आप लोग समझ जाना कि ये वीडियो मैं अपने चैनल पर अगर बनाकर डालता हूं तो 110% जो वीडियो है वो वायरल होने वाली है। तो गाइस आप अगर एक यूट्यूबर हो और आपके वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहे तो आप छोटे छोटे चैनल को देखो और देखो हाल ही में कौन सी वीडियो वायरल हुई है उस चैनल पर, और उसी से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर बनाकर डालो। तो इतना जान लेना जो आपकी वीडियो है वो 110% वायरल होने वाली है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपने अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन